अच्छा, प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन। प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फर्स्ट सेलेक्ट एनी वन साइड, फर्स्ट सेलेक्ट एनी वन साइड, कोई एक साइड आप सेलेक्ट कर लो, आइदर आर एच एस, आइदर आर एल एच एस और एल एच एस और आर एच एस। अच्छा, सेलेक्ट कौन करे, सेलेक्ट कौन करे बेटा, डिप देखो मैक्सिमम केसेस में हम एल एच एस और आर एल एच एस सेलेक्ट करते हैं, कुछ केसेस में आर एच एस सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन, आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि ऐसी कौन सी साइड उठाएंगे तो आएगा, है ना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर आप एल एच एस लेके चलो, क्या लेके चलो, एल एच एस। अब ध्यान से देखो, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम क्या आती है बेटा इस टॉपिक से, एक टाइप की ले लोगे तो एल एच एस लेके चलोगे, आर एच एस अपने आप आ जाएगा, है ना, बहुत ध्यान से देखना है। सेकेंड चीज क्या होती है हमारा इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज है, सेकेंड चीज हमको ये ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है आपको एल एच एस एंड आर एच एस दोनों पे मैनिपुलेट करना पड़ता है, दोनों लेके चलना पड़ता है, है ना। कुछ दूरी आप एल एच एस लेके चलोगे, कुछ दूरी आप क्या करोगे एल एच एस लेके चलोगे, मान लो कुछ वैल्यू आएगी x, फिर कुछ दूरी आप आर एच एस लेके चलोगे, उसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी x, तब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपको बोल देना। तो आपने क्या करना है, एल एच एस और आर एच एस कुछ दूरी पे जाने के बाद आएंगे, ठीक। ऐसा कैसे पता चलेगा बेटा, एल एच एस लेके चलोगे आप, कुछ दूरी पे जाओगे तो वहां आर एच एस निकलेगे, मतलब उसके आगे मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तब आपको खड़ा से वहां से आर एच एस लाना है, यानी एक्स पे छोड़ के फिर वहां से जाओगे। अच्छा, एक्स मतलब कुछ वैल्यू आएगी, उन दोनों की इक्वल दिखा दोगे तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, है ना, क्लियर ना बेटा। तो इसी टाइप सबसे बड़ी चीज इसमें, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक बेटा, कन्वर्ट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ए भी होगा मे भी कुछ भी होगा, थीटा तो ऐसे समझने के लिए बोल दिए हैं, होल इक्वेशन इफ नो एनी अदर ऑप्शंस, अगर कोई अदर ऑप्शंस नहीं है तो, ठीक, अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है तो क्या करना है, हाँ नॉइज करते हैं यार, ठीक समझ गए ना। चलें अब देखो इसमें से, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट, टेकिंग एलएचएस बेटा ले लो, कुछ ना समझ में आया तो केवल एलएचएस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अभी भी कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है बेटा, डायरेक्ट साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/2 साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूले ये सवाल करने से पहले रटे जाने चाहिए, जो भाई जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर हमने बताया था 4-5 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आपने, क्लियर ना बेटा। यहाँ एलसीएम क्या होगा बेटा, साइन थीटा एलसीएम होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या करें, हमारा यहाँ माइनस साइन थीटा है और यहाँ प्लस कॉस थीटा है, तो ध्यान से देखो इसको अभी हम क्या फर्दर चेंजिंग कर सकते हैं, हाँ इसको हम वन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा जियो करते हो पड़ा रहने दो बेटा, साइन को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे बोले बताए है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये ध्यान से देखो, एक ब्रेक, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत है बेटा? पावर टू है तो उसको दो बार लिखा जा सकता है। डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी तो वन प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी यानी वन माइनस कॉस थीटा। तो मैं एक ठोक कट गया ना, कितना बचा बेटा, एक कटा कि नहीं कटा, बोलो भाई कितना आया, यहां सॉल्व कर दें। हाँ ध्यान से देखो कितना है बेटा, वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। क्लियर ना, हेंस प्रूफ। फिफ्थ का सेकंड देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, आराम से आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप स्वयं करें, बहुत ईजी है, एलसीएम ले लेंगे तुरंत आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तुरंत आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो कॉस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा वन प्लस साइन ए का हो होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व भी करा दो सर जी, वन अपान वन प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए अपान वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए, मस्ट बी इक्वल टू कितना बेटा, टू सेक ए, टू सेक ए। यहाँ से बेटा टेकिंग एल एच एस क्या ले लेते हैं, एल एच एस है ना, कॉस ए अपान वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एलसीएम कितना आएगा बेटा यहाँ पे, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर बेटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर ना बेटा, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रख लो, उसको ओपन करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वन स्क्वायर प्लस टू साइन ए इंटू वन, है ना बेटा। डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर ना, ये वैल्यू ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वन प्लस वन प्लस टू साइन ए कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई समस्या बेटा नहीं ना। यहाँ ध्यान से देखो, ये जुड़ के टू हो जाएगा ना, तो टू टू बाहर आ जाएगा, टू प्लस टू साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, वहाँ से टू कॉमन लीजिए, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कट गया, वन प्लस साइन ए कट गया ना। ध्यान से देखो, टू अपान क्या बचा बेटा, कॉस ए, दिस इज मस्ट, वन अपान कॉस क्या होता है, सेक, दिस इज इक्वल टू। क्लियर कि नहीं क्लियर, हाँ जी क्लियर ना। फिफ्थ का थर्ड देख लेते हैं, है ना। तो फिफ्थ का थर्ड जो क्वेश्चन है वो है tan थीटा अपान वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान वन माइनस tan थीटा इक्वल टू वन प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसमें हिंट भी दिया है, क्या दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, बाई टेकिंग एल एच एस, बाई टेकिंग एल एच एस, हमको एल एच एस ले लेना है। क्लियर, एल एच एस लेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ टैन थीटा अपान वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान वन माइनस टैन थीटा। क्लियर, फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एज पॉसिबल मैनिपुलेशंस, उन्होंने बोला है कि साफ साइन और कॉस में आप इसको कन्वर्ट करिए, तो साइन और कॉस में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है, बीच में प्लस है तो प्लस,
कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा। सिमिलरली 1 माइनस टेन थीटा की जगह रख सकते हैं हम साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब सोचो कि कहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है, कहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबल हो सकता है, अभी और कहीं नहीं हो सकता। तो ऊपर वाले को हम एज इट इज रख लेते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और यहाँ ध्यान से देखिए एलसीएम क्या होगा, डिवाइडेड बाई वन करके ले, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कॉस थीटा अपन साइन थीटा रख लेंगे, डिवाइडेड बाई पॉसिबल मैनिपुलेशन क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम है तो कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ से ध्यान से देखें क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये क्या होगा कॉस थीटा, और ये ब्रेकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ पे प्लस है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ इसके साथ नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ साइन प्लस में है कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है और साइन माइनस में है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस और यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस में हो जाएगा, और वो माइनस हम ला करके यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, प्लस की जगह क्या कर देंगे फिर हम आगे चल के माइनस। क्लियर? तो यहाँ से हमारा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक? फिर यहाँ से माइनस, ये वाला हमने कॉमन लेके माइनस यहाँ एडजस्ट कर दिया। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा सेकेंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस वाला माइनस हो जाएगा, साइन वाला प्लस, और प्लस वाला हमने पहले लिख लिया। फिर यहाँ से ध्यान से देखिए एलसीएम क्या है हमारा, कॉस थीटा इंटू सॉरी यहाँ से साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं और इधर से कॉस थीटा एलसीएम होगा, और ये दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम सब बचपन में सीखते थे एलसीएम लेना। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये सेम है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कॉस साइन थीटा कट जाएगा, केवल साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या केवल मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा तो कॉस क्यूब थीटा। ध्यान से देखें कि एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। क्लियर? तो इसी फार्मूले से हम रिप्लेस कर दें, साइन को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं ए की तरह, और कॉस को किसकी तरह ट्रीट करते हैं बी की तरह। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमको दिखता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने इसको ए की तरह माना, इसको बी की तरह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? डिवाइडेड बाई ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे क्या बचा बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। यहाँ से ध्यान से देखें ये जो चीज़ है दोनों में डिवाइड होगी तो ये वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है, इसमें भी क्या करोगे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड, इसमें भी डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ध्यान से देखें वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा,
और इंटू वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये सेम सेम है, कट बट जाएगा, कितना आएगा वन, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस कॉसेक थीटा प्लस इंटू सेक थीटा। ये क्या है हमारा आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ओके ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ का फोर्थ क्या है, वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली टेक बाय टेकिंग एलएचएस बाई, पहला स्टेप हमारा यही होता है, हमको सबसे पहले एलएचएस ले लेना है, आरएचएस भी ले सकते हो, कोई भी एक सुटेबल लो। तो ध्यान से देखो, जो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल हो वही वाला सेलेक्ट करें। यहाँ से ध्यान से देखें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन सेक, सॉरी वन प्लस, पहले तो इसको एज इट इज ले लें, सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, वन प्लस वन अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सेक को वन अपान कॉस ए, यहाँ भी वन अपान कॉस ए, कुछ नहीं समझ में आता तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कॉस यहाँ चला जाएगा तो कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए वन अपान कॉस ए। क्लियर? ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए कैंसिल टू ईच अदर, यहाँ से कॉस ए प्लस वन। अब इसमें हम आगे कोई मैनिपुलेशंस अब नहीं कर पाएंगे, अब इसमें हम आगे कोई विशेष मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे हमको स्टॉप हो जाना, ये कॉस ए प्लस वन, क्योंकि इसके फर्दर आगे अब आप ध्यान से देखिए कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन क्या नहीं सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बट स्टेप्स क्या होंगे बेटा, जब ये कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल आपको नहीं दिखता तो आप वहीं से क्या करें, आर एच एस उठा लें, दूसरी साइड उठा लें तुरंत। नाउ टेकिंग आर एच एस, फिलहाल क्वेश्चन में हिंट भी दिए हैं, अगर आपको बता तो रहे, कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है अब यहाँ से आगे हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो वहीं पे उसको रोकिए और आप दूसरी साइड उठा लीजिए। यहाँ से देखें बेटा, आर एच एस क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपान वन माइनस कॉस ए, इसमें हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ हाँ कर सकते हैं भाई, हमको पता है ना साइन स्क्वायर ए, मैंने सबसे पहले इस लेक्चर में लिखवाया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर ए मोस्ट इक्वल टू कितना लिखवाया है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखवाया है। तो ये फार्मूला वहाँ रखें, क्या फ़ायदा होगा, चलिए देखते हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा ही, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी। यहाँ से ध्यान से देखो, वन का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस ए, और एक ब्रेकेट में माइनस बी, वन माइनस कॉस ए, नीचे वन माइनस कॉस ए पहले से था, ध्यान से देखो वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए कट गया तो क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस ए प्लस वन, है ना। यहाँ से ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू सेम आ गए, अब क्या बोलोगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ वाला क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए फर्स्ट इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस आइडेंटिटी को यूज करके हमको ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, यानी सॉल्व करना। क्लियर? तो पहली बात तो ये भाई साहब जो भी हैं, जब चाहे जो साइड उठा लें, तो डायरेक्टली तो है नहीं, है ना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एल एच एस उठाते हैं बाय टेकिंग एल एच एस, एल एच एस। क्लियर? ले लीजिए एल एच एस आप यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई बेटा
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। हमको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लायक तो पहली बात तो टर्म होनी चाहिए ना, टर्म तो बन ही नहीं रहे तो आइडेंटिटी हम कैसे यूज करेंगे, है ना, आइडेंटिटी हम कैसे यूज करेंगे, क्लियर। अच्छा तो टर्म बनाइए, सेक कॉस में कुछ सेक और कॉट में कोई रिलेशन यहाँ बनाइए। अगर यहीं पे कॉस थीटा अपन साइन ए हो जाए, कॉस ए अपन साइन ए हो जाए तो हमारा काम बन जाए, कॉट में आ जाएगा, वन अपन साइन हो जाए तो भी काम में आ जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म में। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी हम वन अपान साइन ए कर लेते हैं और यहाँ भी हम वन अपान साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखें, ये साइन ए डिनोमिनेटर में है तो ब्रेकेट के अंदर जाएगा, तो जितने भी टर्म हैं उनके सब टर्म के डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। यहां से होगा बेटा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, है ना, प्लस वन अपान साइन ए हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए, है ना, इसी से ये भी जाएगा सबके डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, प्लस साइन ए बाई साइन ए, ठीक, माइनस वन अपान साइन ए, है ना, सबसे डिवाइड होगा, अंदर जाएगा तो एक एक टर्म से डिवाइड होगा। कॉस ए अपान साइन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए, माइनस साइन अपान साइन हम क्या बोल सकते हैं बेटा, माइनस वन, वन अपान साइन हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस कॉस ए, ये बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए है, क्लियर। यहाँ से प्लस वन हो जाएगा बेटा साइन ए अपान साइन ए, माइनस वन अपान फिर से ये कॉस ए, क्लियर। अच्छा बेटा, ये कॉट और कॉस हम एक साथ रख लें, कॉट और कॉस हम एक साथ रख लें और इनको वन को एक साथ कर दें। अब ध्यान से देखो बेटा, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस वन, बेटा लिख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन बेटा, अभी भी हमारा ये बनाने लायक क्या हो गया है। देखिए, इस आइडेंटिटी को आप थोड़ा मैनिपुलेट करें तो क्या हम यहाँ से कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन, या हम वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हमको क्या करना है, केवल एक में चेंज करिएगा, क्यों, क्योंकि फिर आपस में ये, ध्यान से देखिए, एक में करेंगे ना तो अपने आप कट जाएगा ये, तो चाहे आप डिनोमिनेटर में कर लें चाहे न्यूमरेटर में कर लें, एक जगह करें। तो मैं कहाँ करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर में करने जा रहा हूँ चेंजिंग, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, वन की जगह हम क्या लिख लेते हैं बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और डिनोमिनेटर में ज्यों का त्यों रहने दें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, क्लियर ना। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा ध्यान से देख लो, दोनों सिमेट्रिक टाइप के दिख रहे हैं, एक में आप मैनिपुलेशन करेंगे दूसरा वाला अपने आप वही आ जाएगा, तो कट जाएगा, कोई हमें दिक्कत होगी नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, यहां ध्यान से देखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब बेटा यहां क्या है, माइनस लगा है, यहां माइनस लगा लिया, इन दोनों ब्रैकेट में देखो, अच्छा इरेज करके इधर बता देते हैं, फिर उधर दिक्कत हो जाएगी, क्लियर। आप लोग इधर वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा बैक करके, क्लियर। चलिए, तो इधर ध्यान से देखिए आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आएगा, क्लियर। यहाँ से वन, वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर, डिवाइडेड बाई कॉट ए
माइनस कॉस सेक ए प्लस वन आ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखें, ये वाला किससे लिबरेट हो जाएगा, टूट जाएगा ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी से, है ना, इस फॉर्मूले से। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रेकेट में क्या लिख सकते हैं, वहां से हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रेकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर? और डी होल डिवाइडेड बाई क्या था हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे हमने केवल न्यूमरेटर में चेंजिंग की, डिनोमिनेटर में चेंजिंग नहीं की, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, आप कहीं भी एक जगह चेंजिंग कर लेंगे अपने आप कटता चला जाएगा, कट जाता है। क्लियर? दोनों जगह चेंजिंग करेंगे तो फिर से वही आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखें क्या कॉमन है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ वन बचा बेटा, है ना। यहाँ से ये भाई साहब चले गए तो कितना बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बस कितना बचा। क्लियर ना? और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ध्यान से देखो, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इन ब्रैकेट, बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस कॉट वाला प्लस हो जाएगा, तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ कॉट ए, फिर क्या आएगा माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, तो बचा ही था तो प्लस वन लिख लिया हमने। क्लियर ना? डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। क्लियर? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। प्रूफ शायद यही करना था, हाँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये क्या है हमारा आर एच एस है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। क्लियर ना? अगला वाला चलते हैं हम लोग, सिक्स वाला देख लेते हैं, क्या है हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन, फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए। ठीक, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ओके, चलिए सिंपल सा हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कोई एक साइड हम सेलेक्ट कर लें, है ना, कुछ नहीं समझ में आता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मैनिपुलेट होने लगती हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखें, अब यहाँ हम एल बाई टेकिंग एल एच एस, सबसे पहले लिख लेते हैं बाई टेकिंग एल एच एस। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या होगा, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, साइन कॉस में तो अपने आप ही है, साइन में तो है ही, तो हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और रूट हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, रूट। अब रूट हटाना जब, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें रूट तो है नहीं, तो रूट हमको हटाना पड़ेगा, और रूट हटता कैसे है, जब तक वहाँ स्क्वायर नहीं आएगा तब तक रूट हटेगा नहीं, स्क्वायर लाने के लिए हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है ना। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई हम करें तो ये क्या होगा, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए करना पड़ेगा हमको। क्लियर ना? यहाँ जो रहे उसकी अपोजिट साइन लेते हैं, तभी रूट हट ही सकता है, वरना नहीं हट सकता। तो ध्यान से देखिए, ये ब्रेकेट दोनों ब्रेकेट में सेम, तो इस ब्रेकेट पर क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा एक ब्रेकेट में ए प्लस बी एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो। और यहाँ से ध्यान से देखें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं,
यहाँ से आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर बेटा, यहाँ भी होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, है ना, होल स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा, तो वन प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक बेटा, यहाँ से ये जा करके वन में भी डिवाइड होगा, साइन में भी डिवाइड होगा, वन अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा वन अपान कॉस क्या होता है बेटा, सेक थीटा प्लस ये एंड आर एच एस, यही प्रूव करना था, इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। क्लियर ना? ओके, फिफ्थ का सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ का सेवेंथ पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, है ना बेटा। तो देखो, जाहिर सी बात है एल एच एस उसको लो जहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा पॉसिबल हो। एल एच एस हम कहाँ लेंगे, आर एच एस को बाई टेकिंग, सॉरी वो साइड आप लें जहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा है, तो हम एल एच एस लेके चलेंगे बाई टेकिंग एल एच एस। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। क्लियर ना? अभी भी कुछ सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से ध्यान से देखो, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। क्लियर? नीचे क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर ना? साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा होता है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर बेटा? डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक ना। चलिए, यहाँ से टैन थीटा तो टैन थीटा रहेगा, ध्यान से देखें, ये माइनस टू है प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन साइन हम किसका लेते हैं, बड़े वाले का, वन माइनस टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये दोनों सेम ही है बेटा, बस लिखने का तरीका अलग है। क्लियर ना? तो हम पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर ना? नाउ दे विल कंसल्ट टू ईच अदर, फाइनल रिजल्ट इज टैन थीटा इक्वल टू आर एच एस, हेंस एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आर एच एस, हेंस प्रूफ। एट्थ वाला देख लेते हैं, फिफ्थ का एट्थ। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सेवन प्लस एन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंपल है यार, हमको एक साइड लेके चलना है बाय टेकिंग एल। कौन सी साइड हम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ ज़्यादा मैनिपुलेशन हो, जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो, तो ज़्यादा मैनिपुलेशन इधर हम कर सकते हैं, उधर तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ ज़्यादा विशेष, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट को ब्रेक करना, सॉरी स्क्वायर होल स्क्वायर को ब्रेक करना आसान होता है, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना थोड़ा
डिफिकल्ट होता है, इसलिए ईजीएस्ट वाला पोर्शन लिया करिए जिसमें मैनिपुलेशन आसान हो। तो यहाँ से मैनिपुलेशन ज़्यादा भले है बट आसान है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक, कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ओपन करिए बेटा, इतिहास हमको पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। इसी फॉर्मूले से हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए। यहाँ से देखो बेटा साइन ए और कॉसेक ए रेसिप्रोकल टू इच अदर होते हैं, तो ये कट कैंसिल कर देंगे। जैसे टैन ए इंटू कॉट ए बराबर वन होता है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर वन, सेक ए इंटू कॉस ए बराबर वन, है ना, ये बोल सकते हैं। चलिए फिलहाल अगर वो नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, क्लियर ना बेटा। चलिए यहाँ से ध्यान से देखो, ये साइन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लें हम, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बेटा प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लें, टू साइन ए, यहाँ कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह कॉसेक ए की जगह वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा टू कॉस ए है और सेक की जगह वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं बेटा। फिर कौन कौन से बचे, ये बचा और ये बचा, है ना, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, क्लियर बेटा। ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी होती है, वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा टू, ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस टू, क्लियर बेटा। यहाँ ध्यान से देखें, हमारा ये कॉसेक ए सेक ए है, लेकिन हमारी पिक्चर में क्या आना चाहिए, टैन और कॉट आना चाहिए। तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो बेटा हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं, वन प्लस कॉसेक की जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह वन प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा। ध्यान से देखो सारे इंटीजर्स वाले पोर्शन को आप ऐड करो, यहाँ ध्यान से देखो थ्री फाइव सिक्स और ये सेवन प्लस टैन स्क्वायर ए को हम पहले लिख लेते हैं बेटा, प्लस कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं। कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, बस ये आपको ध्यान देना होता है जो साइन उसके लेफ्ट में हो वही लेफ्ट में वही साइन होनी चाहिए, चाहे आप जहाँ लिखो लेफ्ट में वही साइन होनी चाहिए। यहाँ लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ भी उसके लेफ्ट में प्लस है, हाँ राइट में भी एडजेंट मैटर, राइट की उसकी साइन होती ही नहीं, लेफ्ट में होनी चाहिए। ध्यान से देखो ये किसके बराबर है बेटा, आरएचएस के बराबर है, किसके बराबर है आरएचएस। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आरएचएस, क्लियर, हेंस प्रूव। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ का नाइन्थ, फिफ्थ का नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया कितना है वन प्लस टैन ए प्लस कॉट, क्लियर। चलिए तो ज़्यादा से पॉसिबिलिटी हमको एलएचएस पे लग रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ बाई टेकिंग एल एच एस ले लेते हैं बेटा। यहाँ से क्या होगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइन कॉस में हम क्या करें, ट्राई करें उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर ना। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन ए, इसी तरीके से साइन को साइन में हम रहने दें, है ना, होल इक्वेशन हमको किस में कन्वर्ट करनी होती है, साइन और कॉस में, ये हो जाएगा बेटा हमारा वन अपॉन कॉस ए, यहाँ से माइनस कॉस ए, क्लियर ना। एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आएगा बेटा, साइन ए, ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक बेटा। सिमिलरली यहाँ से हमको क्या कह सकते हैं,
कैल्शियम हमारा होगा बेटा कॉस ए, और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन ए। इसी तरीके से बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। मैंने फर्स्ट पार्ट में एकदम यही डिस्कस किया कॉस ए अपना है, एक कॉस ए कटा 1 बचा, एक साइन ए कटा 1 बचा, यहाँ से कितना बचा बेटा हमारा एक साइन ए बचा है और एक कॉस ए बचा है। अब हम इसके आगे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं एलएचएस में, अब इसके आगे कोई मैनिपुलेशन हमको आइडिया ही नहीं लग रहा, दिमाग ही नहीं लग रहा इसके आगे हम क्या करें। तो अब क्या करेंगे, सवाल क्या है यहीं छोड़ देंगे? नहीं बेटा, यहाँ से आपको क्या करना है आरएचएस उठा लेना है, क्या उठा लेना है आरएचएस, और आरएचएस को इसके बराबर प्रूव कर देना है। नाउ टेकिंग आरएचएस, आरएचएस उठाइए आप, क्या है आरएचएस 1/tan a + cot a मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/tan को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं बेटा कॉस ए अपान साइन ए। क्लियर? यहाँ से बेटा अब क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, यही मैनिपुलेशन होगा, तो यहाँ क्या एलसीएम होगा हमारा साइन ए कॉस ए। ये यहाँ ध्यान से देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना, एलसीएम ले रहे हैं सिंपली, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये वाला इसमें हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला ऊपर एकदम चला जाएगा, सबसे जो नीचे रहता है तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा बेटा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, ये आ जाएगा हमारा साइन ए और ये कॉस। अब आ गया ना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यहाँ से आप बोल दोगे बेटा आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस रूट। एन सी आर टी एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ का लास्ट 10th वाला देख लेते हैं, क्या दिया है 1 + tan² θ डिवाइडेड बाय a है, tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot² इक्वल टू 1 - tan a / 1 - cot a का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू tan स्क्वायर है ना। अच्छा, इसमें 3 टर्म दे दिए हैं, एक मिडिल टर्म भी दे दिया है और एक क्या दिया है राइट हैंड साइड और मिड और लेफ्ट हैंड साइड तो दिया ही दिया। तो हम क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसमें बेटा किसी दो साइड को उठाओ और थर्ड के बराबर प्रूव करना स्टार्ट करो। क्लियर ना? या तो एक साइड को उठाओ मिडिल के बराबर दिखा दो, फिर उसको सबसे लास्ट वाले के बराबर दिखा दो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा मैनिपुलेशन पॉसिबल है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है ना। तो यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम बाई टेकिंग एल एच एस ले लेते हैं, बाई टेकिंग एल एच एस अगर हम एल एच एस ले लेते हैं तो क्या है बेटा 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² हमने बोला ना, जहाँ आपको कोई भी मैनिपुलेशन समझ नहीं आ रहा तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, तो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर है, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, ये कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 + cot² θ बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा है ना। ए है तो ए लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बेटा हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं है ना, यहीं कर लेते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए इस वाले में एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, इसी तरीके से इसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारा एलसीएम होगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर बेटा? ये वाला सबसे ऊपर, अच्छा ये वैल्यू भी 1 होगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये वाला सबसे ऊपर जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरीके से ये इसमें मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा केवल कॉस स्क्वायर ए। समझ गए ना? एक स्टेप चलिए और कर देते, कन्फ्यूज ना होइए। 1 अपान यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, सिमिलरली ये भी वैल्यू 1 अपान
साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए मस्ट बी इक्वल टू टैन स्क्वायर, क्लियर है? ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक। यानी ये वाला साइड इसके इक्वल आ गया, अगर हम इसके इक्वल प्रूव कर लें तो ऑलरेडी ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। मिडिल टर्म वाला ले लें, चलिए मिडिल टर्म लेते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को उठा लेते हैं, है ना। मिडिल टर्म हमारा क्या है, बाय टेकिंग मिडिल टर्म, ठीक। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, वन माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, वन माइनस कॉट ए का टोटल ऑफ होल स्क्वायर है, ओके। तो ये इंडिविजुअल भी होल स्क्वायर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। चलिए कर दें, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते पहले, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। यहाँ से साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, वन माइनस साइन ए अपान कॉस ए। सिमिलरली यहाँ से भी क्या आ जाएगा बेटा, वन माइनस कॉस ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या एलसीएम आएगा, कॉस ए, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन, है ना। नीचे क्या बचेगा बेटा, यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, साइन एलसीएम होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में साइन एलसीएम होगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इन पूरे पे होल स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये माइनस हम बाहर लें तो इसको ये प्लस बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस लेंगे तो ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा, क्लियर ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं, ऊपर जाएगा साइन ए, और इस वाले ब्रैकेट में बेटा हम माइनस इधर बाहर ले लिए, ठीक, बाहर हम ले लेते हैं माइनस, ऐसे का लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस अगर आपने लिया तो साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस ए निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई क्या, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये वाला इसके साथ, यहाँ से कॉस ए और ब्रैकेट में क्या है बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस, ये साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, होल स्क्वायर लगा हुआ, ठीक। ऊपर क्या आएगा बेटा, टैन ए आएगा माइनस, और होल स्क्वायर है तो ये प्लस कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्या आ गया, टैन स्क्वायर ए। तो मिडिल टर्म बराबर भी क्या आ गया आपका, आर एच एस आ गया। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, तीनों साइड बराबर आ गई, हेंस प्रूव, क्लियर ना बेटा। अगर कोई दो नंबर किसी थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में इक्वल है तो आपस में इक्वल मानी जाती है ना। जैसे मैं बोलूँ ए इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू बी ऑलरेडी, क्लियर ना। तो इसी लॉजिक से ही हो गया कि हमारा ख़त्म होता है एनसीईआरटी